जो पिंग कमांड होता है, पिंग कमांड सिर्फ इतना सा हमारा बताएगा कि हमारा पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है। और अगर हो रही है पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टिविटी, तो वो आपका नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है या बीच बीच में हमारा डाउन हो रहा है। अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट बताएगा तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो प्रॉपर हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हमारा बीच में कनेक्शन टूट रहा है। जैसे मोबाइल पे भी हम लोग बात करते हैं तो बीच बीच में आवाज कट जाती है, तो उस केस में क्या होता है कि प्रॉपर नेटवर्क हमारा कनेक्शन नहीं होता है, तो हमारा बीच में डेटा लॉस होता है, कम्युनिकेशन लॉस होता है। तो अब उसी तरीके से हमारा पिंग कमांड केवल ये बताता है कि कनेक्शन है, स्टेबल है, या फिर बीच में कहीं प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम है तो किस लेवल पे है, बीच में कहाँ पे लॉस हो रहा है, वो हमारा ट्रैश राउट बताएगा। क्योंकि ट्रैश राउट का काम सिर्फ इतना सा होता है कि जहां से हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन है, उसके बीच में कुल कितने होप्स हैं। होप्स का मतलब है कुल कितने राउटर्स लगे हैं, और उन राउटर्स के बीच में जो हमारा पैकेट ट्रांसमिशन हो रहा है, तो किस राउटर के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, किस राउटर के बीच में हमारा ट्रांसमिशन पैकेट लॉस हो रहा है, और कहाँ पे हमारा पैकेट ट्रांसमिशन प्रॉपर हो रहा है। तो हम ये डिटेल में अगर हमें जानना है तो पिंग कमांड के बजाय हम ट्रैश राउट कमांड या ट्रैशर्ट कमांड चलाते हैं। इसमें जो हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया है, इसमें पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यही दिया गया है कि हमारा ट्रैश राउट कमांड हमारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा और ट्रैशर्ट कमांड हमारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। ये इसी में आपका पूरा का पूरा डिस्कशन इसमें किया गया है। और ट्रैशर्ट कमांड अगर हम चलाते हैं तो ये हमारे नंबर ऑफ पैकेट्स, इस राउटर पे कितने पैकेट्स जा रहे हैं और एवरी पैकेट्स कितने मिलीसेकंड्स ले रहे हैं, और फर्स्ट राउटर से सेकंड राउटर पे, फर्स्ट राउटर ने सेकंड राउटर को जब पैकेट को ट्रांसमिट किया तो कितने पैकेट ट्रांसमिट किए, यहाँ पे 3 पैकेट ट्रांसमिट किए, और तीनों पैकेट को ट्रांसमिट करने में कितने एस्टिमेटेड टाइम लगे, 12 मिलीसेकंड, 8 मिलीसेकंड, 5 मिलीसेकंड। ये तीनों का एक सेट बनता है और उस सेट को यहाँ पे दूसरे राउटर पे भेज दिया जाता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे कितना, और ये धीरे धीरे जहाँ से हमारा शुरू हुआ, जैसे 216 डॉट यहाँ पे 216 है और .56 .196 .206 ये हमारी आईपी है जिसको हमने हिट किया है। तो हमारे पीसी से इस आईपी तक जाने में कुल टोटल नंबर ऑफ 8 राउटर्स इस्तेमाल हुए हैं, और इनके बीच में ये पैकेट का ट्रांसमिशन दिखा रहा है कितने मिलीसेकंड्स एस्टिमेटेड टाइम लिया गया है। तो ये ओवरऑल ट्रैश राउट कमांड हमारा यही बताएगा कि नंबर ऑफ कितने राउटर्स यूज किए गए सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और कहाँ पे हमारा डेटा लॉस हुआ और कहाँ पे कितना टाइम लगा हमारा डेटा पैकेट को ट्रांसमिट होने में। इसी का पूरा ये इनका एक्सप्लेनेशन जो ये डायग्राम में है उसी का एक्सप्लेनेशन इसमें दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है कि ट्रैश राउट कमांड हमारा किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, ट्रैशर्ट कमांड हमारा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, फिर ये कैसे काम करते हैं इसको डायग्राम के थ्रू यहाँ पे डिस्क्राइब करने का प्रयास किया गया है। ये नंबर ऑफ राउटर्स सोर्स डेस्टिनेशन के बीच में राउटर्स के दिखाए गए हैं। बीच में डॉट डॉट का मतलब है बहुत सारे राउटर्स हो सकते हैं, कोई पता नहीं है कि कितने हो सकते हैं, और इन्हीं के पैकेट्स के बारे में बताया गया है कि ये बीच में जब जाएंगे तो पैकेट्स का भी एक ग्रुप होता है, जो 3 पैकेट का एक ग्रुप होता है उसको हम एक सेट बोलते हैं। जो यहाँ पे आप देखोगे तो 3 पैकेट्स हमारे भेजे गए हैं, तो ये एक सेट हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा सेट हुआ, ये तीसरा सेट हुआ, तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बाद में यहाँ पे ये आपका हाउ डज ट्रैश राउट मेक श्योर दैट पैकेट इज ड्रॉप्ड एट आईएथ होप, मीन्स हम यहाँ पे कैसे निकालें, यहाँ पे कैसे श्योर होंगे कि हमारा जो पैकेट है
वो अगले होप पे पहुंच गया है, जैसे हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे वो पैकेट पहुंचने में कैसे श्योरिटी होगी इसको, या तो एक्नॉलेजमेंट के थ्रू होता ही है, बट ये एक्नॉलेजमेंट जो हमारा होगा इसी को श्योरिटी देने के लिए ये जो टोटल टाइम लगता है, तो यहाँ पे इस एक्नॉलेजमेंट तक आने में ये टाइम टू लीव, इसी को बोला जाता है टाइम टू लीव, कि कितना टाइम हमारा ले रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भेजने में भी तो इसको कुछ टाइम लगेगा, तो ये जो टाइम जो हमारा बीच में यहाँ पे लग रहा है उसी को यहाँ पे टाइम टू लीव है। फिर से इस पैकेट को यहाँ पे आएगा तो फिर ये यहाँ पे भेजेगा, तो इसको भी भेजने में यहाँ तक कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पे भी टाइम टू लीव होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, इस पे जब आएगा तो यहाँ से भी हमारा पैकेट यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, इसको भी टाइम टू लीव बोला जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा ये हमारा टाइम टू लीव होगा। अगर ये हमारा होस्ट है तो हमारी इंफॉर्मेशन इधर से इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, फिर इस लोकल होस्ट पे आएगी, तो यहाँ पे फिर इसके पास एक्नॉलेजमेंट जो होगा इधर तक जाएगी। तो ये हमारा जो टाइम टू लीव है ये एक होप से दूसरे होप में जो टाइम जाने में लगेगा वो टाइम टू लीव आपका यहाँ पे दिखाएगा कि वहाँ पे पहुँचने में कितना टाइम लगा। जब तक इसकी श्योरिटी नहीं होगी तब तक ये आपको टाइम काउंट करेगा। इसी चीज़ को इसमें आपको ट्रेस